और कंगना अब तुम्हारा असली चेहरा देखो, तुम जब बॉलीवुड में आई मैं भी आई थी, तुम्हारा सिर्फ एक ही नेचर है, जब तुम्हारे को तुमको कोई सुनता नहीं तो तुम बड़बड़ पड़बड़ करने लगती हो, ठीक है, सबकी बुराइयां करने लगती हो। बॉलीवुड ने तुमको दिया, तुम्हारा ये गंदा नेचर है कि तुम शादीशुदा आदमियों की जिंदगी में जाती हो, चाहे ऋतिक रोशन हो, चाहे आदित्य पंचोली हो, चाहे एक्स वाई जेड हजारों आदमी तुम्हारी जिंदगी में आ गए, ठीक है, सब शादीशुदा आदमी की जिंदगी में तुम जाके उनका घर बर्बाद करती हो और फिर करते हो इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरी ली, इसने मुझे पेला, ठीक है, तुम्हारा गंदा नेचर है। आज तुम जो लटक रही हो ना बीच में, सब तुम्हें बॉलीवुड के सारे हीरो, सारे डायरेक्टर, सारे प्रोड्यूसर तुमको पेला है बुरी तरह से, समझ गई, 100 चूहे खाके बिल्ली हज को चली। तो महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश मत करो, सुशांत की मौत का फायदा उठाकर पब्लिसिटी पाने की कोशिश मत करो। तो कंगना रनावत की असलियत में बताती हूँ, लोमड़ी के हाथ में अंगूर नहीं मिले तो बोलते खट्टे हैं। इसने सलमान खान को बहुत पटाने की कोशिश की, सलमान खान ने इसको धकेला, चला गंदी चला, बड़े बड़े स्टार्स हैं, इसने उसकी जिंदगियों में जाने की कोशिश करी, बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स हैं, नाम नहीं लेना चाहते इसको भगाया हट। तो ये लोमड़ी को अंगूर खट्टे लगे यार, समझ रहे हो, और अभी अपने घर में उधर पता नहीं कहां बैठ बैठ के हमारे स्टारों की बुराइयां करती है। मैं मानती हूं कि सुशांत के लिए मुझे बहुत दुख है, वो मेरा भी दोस्त है, ठीक है, बट इसके हर बात देश की जनता इसकी सारी बात आप मानो ये गलत है। ये मत भूलो कि महाराष्ट्र जय है और महाराष्ट्र में यहाँ पे सबके सपने पूरे होते हैं, जो वर्ल्ड से लोग आते हैं, फिल्म नगरी, आई लव माई कर्मभूमि, माई जन्मभूमि, एंड आई प्राउड ऑफ आई एम अ महाराष्ट्र। मराठियों के लिए कुछ बोलेगी तो एक एक मराठी से पंगा लेगी तो देखो महाराष्ट्र में रहना मुश्किल हो जाएगा, महाराष्ट्र में शूटिंग करना मुश्किल हो जाएगा, और जहां से तेरे सपने पूरे होते हैं, तू स्टार बनी है, आज तेरा नाम जान पहचान है मुंबई की वजह से है, फिल्म में जरूर डेफिनेटली ठोकेंगे, बारी बारी ठोकेंगे, चेतावनी है कंगना, तू कहीं की भी हो, महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र लोगों के खिलाफ बोलेगी तो तू ठुकेगी और बहुत ज्यादा ठुकेगी। महाराष्ट्र में आके चुतियागिरी मत करना वरना इधर तुझे सब पेलेंगे। कंगना रनावत जिनका खाकर हमारी कर्म भूमि महाराष्ट्र, मुंबई, मराठी लोग, फिल्म इंडस्ट्री, तुम सक्सेस हीरोइन बनी हो, तुम मतलब मुंबई की तुलना पीओके से कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम यहां पर आई, यहां पे तुम्हारी कर्म भूमि, तुम यहां से स्टार बनी, पता नहीं कहां सड़ रही थी, कहां जन्म लिया हमें नहीं पता,